जिलाधिकारी ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किया निरीक्षण। बाढ़ प्रभावित लोगों से बातचीत कर प्रशासन द्वारा दी जा रही सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। जिलाधिकारी ने बाढ़ से प्रभावित लोगों के पशुओं के लिए स्वयं भूसा वितरित किया। आज सुबह 6 बजे ही जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रभूषण ने यमुना और बेतवा नदी का जायजा लेने, बाढ़ पीड़ितों से मिलने, उनका हाल चाल जानने और उन्हें जरूरी सुविधाएं मुहैया हो रही हैं अथवा नहीं, इसका जायजा लेने के उद्देश्य से जनपद के विभिन्न स्थलों पर बने अस्थायी शरण स्थलों का मुआयना किया। इस मौके पर जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रभूषण ने सर्वप्रथम चौरादेवी ग्राउंड के पास नमाजरत बाढ़ से प्रभावित लोगों से मिलकर उनका हाल चाल जाना और उन्हें भोजन पानी और अन्य जरूरी सुविधाएं आदि समय से उपलब्ध हो रही हैं अथवा नहीं, इसके बारे में उन्होंने लोगों से जानकारी ली। तत्पश्चात उन्होंने राज रोड और कुछेछा स्थित अस्थायी शरण स्थल का मुआयना कर वहां पर भोजन पानी, स्वास्थ्य सुविधाओं और अन्य जरूरी सुविधाओं के बारे में लोगों से बातचीत कर जानकारी प्राप्त की। इसके अलावा बाढ़ कंट्रोल रूम नंबर 0528-2-222-365-222-330 पर भी किसी भी प्रकार की समस्या पर अवगत कराया जा सकता है। जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रभूषण ने जनपद में विभिन्न स्थानों पर बनाए गए अस्थायी शरण स्थल में प्रभावित लोगों के पहुंचने की अपील की। उन्होंने कहा कि नदियों में किसी भी दशा में आखेट अथवा अन्य गतिविधियां ना की जाएं, यह जानलेवा हो सकता है। इस दौरान डिप्टी कलेक्टर राजेश कुमार मिश्रा, नगर पालिका के चेयरमैन श्री कुलदीप निषाद भी मौजूद रहे। अपडेट मीडिया के लिए जिला संवाददाता शीलू कुमार की रिपोर्ट, हमीरपुर से।